जैसे दोस्तों आप लोगों ने शिवानी कुमारी को तो सुना ही है, तो बिल्कुल उनके जैसे ही हमारी कहानी है। वो चार बहन थी और मैं दो बहन हूँ और मेरे भी पापा नहीं हैं दोस्तों। मैं जब 3 साल की थी तब मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, कुछ बीमारी थी इसकी वजह से। और दोस्तों एक दिन मैं किसी वीडियो में अपने पापा की फ़ोटो भी दिखाऊंगी, हम कितने छोटे थे। शायद किसी को लगता हो कि झूठ बोले हैं दोस्तों, और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। जो कुछ भी हम अपने वीडियो में दिखाते हैं सब सच ही दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों, आज हमारे गोदी में कौन बैठा है? ये दोस्तों हमारे दीदी की बिट्टू है। और ये देखो क्या कर रही है, आगे देखो बिट्टू, आगे आगे। ये हमको दोस्तों देख रही है, देखो हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इसलिए वो हमको देख रही है और सुन रही है। तो ये है बाबू, आगे देखो। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैं बताऊंगी कि दोस्तों मैं वीडियो किस लिए बनाती हूँ। और दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने दोस्तों। ब्लॉग वीडियो ही बनाना है, लेकिन हमारे लिए फिर भी दोस्तों बहुत कठिन है, क्योंकि सारा काम दोस्तों अकेले ही करते हैं, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। खाना भी बनाओ और खेत में भी काम करो तो बहुत परेशान होते दोस्तों, मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है दोस्तों वीडियो बनाने की। तो दोस्तों प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करना। और दोस्तों हमारे वीडियो बहुत ही कम चलते हैं, व्यूज़ बहुत कम आते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी दोस्तों करो। तो दोस्तों हमारे पापा नहीं हैं, इसलिए दोस्तों हमें ही सारा काम करना पड़ता है। और हमारे दोस्तों भाई भी नहीं है और मम्मी है, तो उनकी तबीयत ज़्यादातर ख़राब ही रहती है, तो दोस्तों अकेले मुझे ही सारा काम। और दोस्तों मैं दो बहन हूँ, तो दोस्तों दीदी की शादी हो गई है, तो उनकी ये बिट्टू है, अभी जा रही है, रुकी नहीं। तो दोस्तों और जैसे दोस्तों आप लोगों ने शिवानी कुमारी को तो सुना ही है, तो बिल्कुल उनके जैसे ही हमारी कहानी है। वो चार बहन थी और मैं दो बहन हूँ और मेरे भी पापा नहीं हैं दोस्तों। मैं जब 3 साल की थी तब मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, कुछ बीमारी थी इसकी वजह से। और दोस्तों एक दिन मैं किसी वीडियो में अपने पापा की फ़ोटो भी दिखाऊंगी, हम कितने छोटे थे। शायद किसी को लगता हो कि झूठ बोले हैं दोस्तों, और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं दोस्तों। जो कुछ भी हम अपने वीडियो में दिखाते हैं सब सच ही दिखाते हैं, सच ही बताते हैं, कुछ झूठ नहीं है दोस्तों। तो किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगी दोस्तों। और दोस्तों तो प्लीज़ इसी तरह से जिस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने शिवानी कुमारी का सब लोगों का साथ दिया, तो दोस्तों इसीलिए हमें सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगी कि आप लोगों को पता चलेगा तो शायद आप लोगों को दया आ जाए, तो आप लोग हमारी भी मदद करें, तो मैं भी कुछ कर पाऊँ। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा सपोर्ट ज़रूर करना। और दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है सोशल मीडिया पर, कि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे कैसे लोग कैसी कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों। बहुत ही मुश्किल होता है अकेले घर का खर्चा उठाना जब पापा नहीं होते हैं और भाई भी नहीं हो, कोई भी घर में कमाने वाला ना हो, तो बहुत ही दोस्तों मुश्किल होता है कि बाज़ार से सौदा कौन लाए। तो दोस्तों हम लोग चाचा से मंगा लेते, लेकिन दोस्तों रोज़ रोज़ सारा सामान मंगाने में भी दोस्तों एक दिन दो दिन का हो तो मंगा लो, लेकिन अब दोस्तों मजबूरी है, मंगाना तो पड़ेगा ही सब कुछ दोस्तों। जो भी काम नहीं होता है तो सब इधर उधर से करवाना पड़ता है दोस्तों। बहुत ही मुश्किल होती है, मतलब कि बिना बाप और भाई की ज़िंदगी, तो दोस्तों क्या करें, जीना तो है ही है, लेकिन बहुत ही दिक्कत होती है दोस्तों। और दोस्तों प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करना और वीडियो को भी शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि दोस्तों हमको और मदद मिले। और दोस्तों प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करना दोस्तों। आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करती हूँ कि दोस्तों मेरा सपोर्ट ज़रूर करना। और दोस्तों ऐसे इसी तरह से इसीलिए दोस्तों हम वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।